आप पैदा हुए परमेश्वर के निर्धारित समय पे और इस पृथ्वी से जाना भी परमेश्वर के निर्धारित समय पे ही होगा। एक मिनट या एक मिली सेकेंड भी आप एक्स्ट्रा इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। जितना ईश्वर ने आपको दिया है उतना ही इस पृथ्वी में आप रहेंगे। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम में से बहुत सारे लोगों को ये वर्म होता है कि हमारे पास में बहुत सारा वक्त है, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे पास में असल में कितना वक्त है। We all are oblivious of the fact that we don't know how long we are going to live on this earth. इसीलिए कोई राइटर कहता है, दिन जो है सप्ताह में चला जाता है, सप्ताह जो महीनों में, महीनों जो है सालों में, साल जाते जाते जीवन चला जाता है। तो ये साल जाने को आया है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपने ये साल को बर्बाद कर दिया या इस साल को आपने परमेश्वर की महिमा के लिए आपने इस्तेमाल किया? आज ये वचन जो है आपका जीवन को बदल के रख देगा अगर आप इस पर ध्यान देंगे और इस पर अमल करेंगे। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 9 वर्स 4 को। यह वचन कहता है, वी मस्ट डू द वर्क्स ऑफ हिम हु सेंट मी व्हाइल इट इज डे, नाइट इज कमिंग व्हेन नो वन कैन वर्क। यहाँ में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, हमें उनका काम करना, यानी कि प्रभु का काम करना है दिन रहते, क्योंकि रात आ रहा है और रात को कोई काम नहीं करता। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ में अपने चेलों से तीन बातें कह रहे हैं और जो आप और मुझ पर लागू होता है। तीन बातें वो क्या है? सबसे पहला कि इस पृथ्वी में हम सभी को ईश्वर ने काम के साथ में भेजा है, यानी कि हम सभी का जीवन में उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, एक मंजिल है जिसे हमें पाना है, पूरा करना है, हासिल करना है। तो वो परमेश्वर ने हमें दिया है। वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग देयर इज ए पर्पस ऑफ गॉड दैट यू मस्ट फुलफिल। तो उसे हमें प्रभु ने दे के भेजा है इस पृथ्वी में। इसलिए वचन कहता है एफिसियन चैप्टर 2 वर्स 10 को, आइए हम पढ़ें, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन जीसस क्राइस्ट फॉर गुड वर्क्स व्हिच गॉड प्रिपेयर्ड अहेड ऑफ टाइम फॉर अस टू डू। तो यहां में वचन क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह में हमें तैयार किया गया है, प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए काम को तैयार कर दिया गया, यानी कि हम इस पृथ्वी में नहीं आने से पहले ईश्वर ने हमारे लिए काम तैयार कर रखा है। जैसे यरेमिया का पुस्तक 1:5 में प्रभु कहते हैं कि तुझे माँ के कोख में नहीं आने से पहले मैं जानता था और तुझे मैंने चुना और तेरे लिए, यानी कि देश का भविष्यवक्ता तुझे बनाया, यानी कि पहले से ही ईश्वर जो है काम को तैयार कर रखा है। ये चीज जो है हमें मालूम होना है, ये चीज को हमें पाना है कि ईश्वर हमसे क्या कराना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है ईश्वर ने हम सभी को बनाया उसका महिमा के लिए। सो वी मस्ट फाइंड द पर्पस ऑफ गॉड। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम अपने वक्त को यूं ही वेस्ट करते रहेंगे। ये साल भी जा रहा है और आने वाला 2023 भी यूं ही चला जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा उद्देश्य क्या है। एक बहुत ही ज्ञान देने वाला हिस्सा, एक किताब एलिस इन द वंडरलैंड में आप पढ़ सकते हैं, जो एक नॉवल है जहां पर एलिस जो है कहीं पर जा रही होती है और उस रास्ते पर वो एक बिल्ली से पूछती है कि मुझे कौन सा रास्ता जाना चाहिए, ये रास्ता या वो रास्ता। तो बिल्ली जो है एलिस से सवाल करती है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो एलिस जवाब देती है, देख लेते हैं कहाँ जाना है। तो उस क्षण ये बिल्ली जो है जवाब देती है कि अगर ऐसा है तो आप कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए। तो यहां में एग्जैक्टली पॉइंट क्या है कि व्हेन वी डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग, और जब हमें पता नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना है, तो हम कोई भी रास्ता पकड़ लेंगे, कहीं पर भी हम अपना वक्त को जाया करेंगे। सो वी मस्ट नो व्हाई वी आर क्रिएटेड। तो प्रभु यीशु मसीह का यहाँ हमें कहना है कि यू हैव वर्क फ्रॉम अबव। सो जब आपको पता होता है तो आप बेकार की चीजों में वक्त को जाया नहीं करते, आप अपना लाइफ को वेस्ट नहीं करते। और नंबर 2, यहाँ में वचन क्या कह रहा है कि
वाइल इट इज डे, यहाँ में वचन कह रहा है कि जब दिन हो तभी प्रभु का काम को करो, यानी कि हमें समय दिया गया है, वी हैव स्पेसिफिकली अलॉटेड टाइम, जो हमारे हिस्से में है, जो समय, जो साल हमारे हिस्से में, वो उसी दौरान हमें प्रभु का काम को कर लेना चाहिए। बिकॉज आपको पता नहीं है आप कितने दिन जिएंगे, तो ये जो है एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग जैसा भी है और एक काइंड ऑफ कर्ज जैसा भी है, क्योंकि आप कई बार आपको लगता है कि आपको बहुत समय मिला है और फिर आपको पता चल जाए कि आपका जाने का यानी कि आपका अपॉइंटेड टाइम कब है, तो शायद आप ठीक से जी भी ना पाए। और इसीलिए हम वचन में देखते हैं कि मोसेस जो है ऐसी प्रार्थना करता है, साम नंबर 90 वर्स 12 में आए हम परे, टीच अस टू नंबर आवर डेज केयरफुली सो दैट वी मे डेवलप विजडम इन आवर हार्ट्स। तो वचन यहां में कह रहा है टीच अस टू नंबर आवर डेज, यानी कि पता लगो कि द लाइफ द मोमेंटरीली वी आर लिविंग हियर इज वेरी ब्रीफ, हमें ये जानना है कि हमें एक सीमित समय दिया गया है, तो हमेशा दिन नहीं रहेगा, रात आ रहा है, तो इसीलिए दिन रहते काम कर लो, दिन रहते, क्योंकि टाइम इज प्रीशियस, यू कैन नॉट वेस्ट इट, बी इंटेंशनल, बी पर्पसफुल विथ योर टाइम, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। अमेरिका का एक चर्च, क्राइस्ट चर्च करके, वहां में एक ग्रेव स्टोन पे ऐसा लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, लुइस मैरी मैकलिन बॉर्न 11 मई 1930, मैरिड 29 दिसंबर 1956, डाइड 25 जुलाई 1960, ओनली 30 ईयर्स शी लिव्ड, सो दिस वॉज हर अलॉटेड टाइम, इतना ही समय उसे मिला था इस पृथ्वी में। तो इसीलिए अपने समय को भरपूरी से इस्तेमाल करें, जो आने वाला साल है, आने वाला नया साल है, उसे भी भरपूरी के साथ में, विद पर्पस, विद इंटेंशन, यू यूज द टाइम, बिकॉज वी डोंट नो कि हमारे वक्त में से और कितना बचा हुआ है। वेरी सीरियस, वेरी प्रोफाउंड। एंड फाइनली तीन नंबर में यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं रात आ रहा है और रात को कोई काम नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ये जो रात कह रहे हैं यहाँ में, ये रात जो है हमारा जो अलॉटेड टाइम का चला जाना उसको कह रहे हैं, फिगरेटिवली डेथ को बात कर रहे हैं, लेकिन यानी कि हमारा समय जो है हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, हमेशा हम प्रभु के बारे में बताने का हमें को मौका नहीं मिलेगा, हमेशा हम अपने परिवारजनों के साथ में हमें प्यार से रहने का हमें वक्त आगे नहीं मिलेगा। आप कोई भी हॉस्पिटल में चला जाइए, वहाँ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपना जमीन जायदाद, अपना पैसा सारा देने को तैयार है, उसके बदले सिर्फ उन्हें कुछ वक्त और चाहिए। आपको मैं एक बात बता दूं, ये आने वाला 2023 बहुत सारे लोग देख नहीं पाएंगे, यानी कि लाखों लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका पास में वक्त है ही नहीं। सो वचन कह रहा है वक्त रहते, तो दैट इज द रीजन इफिसियंस चैप्टर 5:16 हमें स्ट्रॉन्गली कहता है रिडीम योर टाइम, अपने समय को खरीद लो। रिडीम का मतलब है आपका जो था लेकिन उसको आपने वेस्ट कर दिया, यानी कि उसको आपने खो दिया। रिडीम करने का मतलब है कि दोबारा उसे वापस लेके आना अपने पास में। हाउ कैन वी डू दैट विद टाइम, कैसे हम वक्त को अपने से फिर से दोबारा खरीद सकते हैं? बाय यूजिंग इट मैक्सिमली विद इंटेंशन, विद एनर्जी, विद पर्पस। अगर आप समय का इस्तेमाल करेंगे सो यू आर रिडीमिंग द टाइम, बिकॉज इट्स गॉड्स कमांड दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। सो वी हैव सीन इन दिस मैसेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड हैज गिवन यू एन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट के साथ में आपको बनाया गया है। इस पृथ्वी में आप एक्सीडेंट नहीं है, गॉड हैज ए पर्पस फॉर योर लाइफ। नंबर टू, आपको एक सीमित समय दिया गया है और वो आपको पता नहीं है वो कितना है, तो इसीलिए हमें जागना है, टाइम को बेकार की चीजों में हमें वेस्ट नहीं करना। नंबर तीन में डेट इज कमिंग, मौत हमारे लिए आ रहा है। आप सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं,
लेकिन दोबारा उसको पा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन का एक सेकंड भी आप दोबारा वापस नहीं पा सकते। तो ध्यान रखिए कि आपका सबसे कीमती जो चीज है इस पृथ्वी में वो समय है। समय का बर्बाद ना कीजिए। आशा करता हूँ ये वचन आपको मोटिवेट करता है कि आप अपना समय पर्पसफुल इस्तेमाल करेंगे। जो आने वाला साल है उसे आप यूं ही जाने नहीं देंगे, उसमें आप विद इंटेंशन विद पर्पस यू विल एंटर। मे गॉड ब्लेस यू।